हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज नाइन्थ क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स के सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो के साथ आपके सामने हूं। तो हम बिना समय गवाए हुए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स, इसके बाद लेसन। तो सबसे वर्ड मीनिंग्स में मिस्चीवियस शरारती, डोसाइल विनम्र, सम मूल्य या राशि, किसी भी चीज की राशि होती है, मूल्य होती है, कीमत होती है। फीडिंग ट्रफ, भोजन कराने की नांद, जो जानवरों को पशुओं को जिस पात्र में भोजन रखा जाता है उसको कहते हैं नांद। प्रेटी सुंदर, स्पार्कल चमकीली, डीप सेट गहरी, डीप सेट का मतलब यानी गहराई पर स्थित, तो उसको कहते हैं गहरी और घनी कह सकते हैं, गहराई पर स्थित कह सकते हैं। पियरली मोती जैसा, एल्डरली बुजुर्ग, वृद्ध या बड़े बूढ़े, अपन कुछ भी कह सकते हैं। पिकल्ड अचार, क्विक फुर्तीला, विक्ड शैतान, स्कूपिंग अप चुपके से निकालना, स्कूपिंग अप का मतलब चुपके से निकालना कि जिस सामने वाले को पता नहीं चले तो स्कूपिंग अप। डेलिकेसी, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को अपन डेलिकेसी कहते हैं, यानी कि स्वादिष्ट अपन भोजन कह सकते हैं। फर्स्ट बतंगड़ बनाना, बखेड़ा खड़ा कर देना, होता है ना, बखेड़ा खड़ा कर दिया, जरा सी छोटी सी बात होती है बतंगड़ कर दिया, तो उसको अपन फर्स्ट कहते हैं। सीक्रेट गुप्त, क्लोसेट के मतलब होता है एक छोटा सा कक्ष, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं कोठरी। पैग खूंटी, जो खूंटी हमारे मकानों में घरों में लगी रहती है। फास्टेंड गड़ा हुआ, यानी कि दीवार में कसकर जिसको ठोक दिया जाता है उसको कहते हैं फास्ट एंड। ऑर्नामेंटल सजावटी, रेंच्ड खींचकर निकालना, रेंच का मतलब होता है जैसे रिंच होता है ना, रिंच का मतलब खींचने वाला उपकरण, और रेंच्ड माने खींचकर निकालना। सॉकेट, सॉकेट अपन कई बार सुनते हैं अपने दैनिक जीवन में, सॉकेट का मतलब होता है छिद्र, यानी कि वो स्थान जहां छेद कर किसी भी चीज को लगाया जाता है। श्रेड्स चिथड़े, परफॉर्मेंस मींस प्रस्तुति, या अपन कह सकते हैं इसको कारगुजारी जो कहते हैं अपन। स्ट्रॉ घास फूस, यानी तिनके तिनके कर अपन जो इकट्ठा करते हैं उसको घास फूस में बदल जाता है वो। अबोड आवास, घर। एग्जीबिशन प्रदर्शनी, क्यूरियस, क्यूरियस मींस दर्श क्या नाम है उत्सुक। ऑनलुकर्स, ऑनलुकर्स होता है जिसको हम दर्शक कहते हैं। टर्नस्टाइल घूमने वाला दरवाजा, ऐसा दरवाजा जो चारों तरफ घूमता हो उसको कहते हैं हम टर्नस्टाइल। और ग्रिन, ग्रिन मींस यानी खिलखिलाकर हंसना होता है, लेकिन इसमें बंदर किस प्रकार खिलखिलाकर हंसता है वो देखने वाली बात है। तो अब आइए अपन इस लेसन को शुरू करते हैं। हैव यू हैवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट, क्या आपके पास आपने कभी पालतू जानवर के रूप में बंदर का बच्चा देखा है, या आपने कभी कोई बंदर का बच्चा पाला है। टोटो इज ए बेबी मंकी, टोटो एक बंदर का बच्चा है। बेबी मंकी मतलब छोटा बच्चा है, इसको अपन छोटे बच्चे को यानी बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल, आइए पता लगाते हैं कि वो बंदर शरारती है या विनम्र है, ये अपने को इस लेसन से पता लगाना है। तो आइए अब लेसन को मूल रूप से शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द समर ऑफ, सम का मतलब राशि मैंने बताया था, 5 रुपीज। दादाजी 5 रुपए की राशि में एक तांगे के ड्राइवर से टोटो को खरीद रहा है, यानी कि इसमें बंदर का जो नाम है वो टोटो है। The Tonga driver used to keep the little rat monkey tied to a feeding tub. Feeding tub का मतलब चारा पात्र कह सकते हैं। तो तांगे का जो ड्राइवर था वो उस बंदर को एक चारे की नांद से बांधा करता था। And the monkey looked so out of place. Out of place का मतलब बेमेल दिखना, और वो बंदर इतना बेमेल, वो जो बंदर था वो बहुत ही बेमेल दिखता था वहां पर। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तो दादाजी ने ये तय किया, ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो इस नन्हे से
पशु को, इस नन्हे से प्राणी को अपने निजी जू में रखेंगे। टोटो वाज प्रेटी, प्रेटी का मतलब सुंदर, टोटो एक सुंदर बंदर है, बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी चमकीली आंखें, उसकी घनी गहरी बोहों के नीचे, घनी गहरी शरारती बोहों के नीचे चमकती थी, यानी उसकी घनी बोहों के नीचे उसकी चमकीली आंखें शरारत से चमकती थी। एंड स्टीथ, और उसके दांत, विच वर अपियरली वाइट, जो मोती की तरह सफेद थे, वर ऑफ वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल, वो हमेशा एक मुस्कुराहट प्रदर्शित करते रहते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो वृद्ध आंग्ल भारतीय महिलाओं को, स्त्रियों को डरा देती थी, यानी कि उनकी तो एक तरह से जान ही निकल जाती थी। बट इज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो का मतलब मानो, परंतु उसके हाथ इस प्रकार से सूखे थे, शुष्क थे, मानो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मेनी ईयर्स, मानो कि अनेक वर्षों से धूप में अचार की तरह सुखाया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, हालांकि फिर भी उसकी उंगलियां बहुत फुर्तीली थी, यानी कि बहुत तेजी से काम करने वाली थी, यानी उसकी उंगलियां बहुत तेजी से चलती थी, बहुत तेजी से काम करती थी। एंड विक्ड, और बहुत ही दुष्ट थी, यानी शैतान थी, बहुत ही ज्यादा नटखट या शरारती थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूछ, व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसके अच्छे हुलिये को बढ़ाती थी, यानी उसमें वृद्धि करती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक, दादाजी की मान्यता थी, दादाजी को विश्वास था कि पूंछ किसी के भी हुलिये को अच्छा बनाती है, यानी उसमें वृद्धि करती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, वो भी तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो उसका उपयोग शाखा से लटकने में करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, और वो किसी भी चीज को चुपचाप निकालने में सक्षम था। एनी डेलिकेसी, यानी किसी भी खाने पीने की स्वादिष्ट चीज को निकाल लेने में समर्थ था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों से दूर होती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड ऑफ एनिमल, जो दादी माँ थी वो हमेशा बतंगड़ बना देती थी, बखेड़ा खड़ा कर देती थी जब दादाजी अपने घर पर किसी पशु या पक्षी को लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये तय किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी कैप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर, कि टोटो की उपस्थिति को उससे गुप्त रखा जाए, अनटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो विशेष रूप से अच्छे मूड में नहीं हो, यानी उसकी जब तक की अच्छी मनोदशा नहीं हो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, दादाजी और मैंने मेरे शयन कक्ष की दीवार की तरफ खुलने वाली एक छोटी सी कोठरी में उसे रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहां उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। और सो वी थॉट, या हमने ऐसा सोचा कि हमने उसको सुरक्षित रूप से बांध दिया है। टू ए पैग फास्टन्ड इन टू द वॉल, दीवार में गड़ी हुई खूंटी से, यानी हमने उसको दीवार में गड़ी हुई खूंटी से सुरक्षित रूप से बांध दिया। ए फ्यू लेटर, यानी कुछ समय बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं टोटो को मुक्त करने के लिए, टोटो को रिहा करने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाई ग्रैंडफादर, तो हमने पाया कि दादाजी के द्वारा चयनित किए गए सजावटी
कुछ सजावटी कागज से ढके हुए दीवारों को न्यू नाउ दीवारें नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, जो अब उगड़ी हुई ईंट और प्लास्टर के साथ खड़ी हुई थी। यानी दीवार पर सजावटी कागज लगा हुआ था तो उस टोटो ने क्या किया, उस यानी कि वहां से वो उगड़ी हुई दिखी तो जाहिर सी बात है कि टोटो ने उन सबको उखाड़ दिया था, यानी उन कागजों को फाड़ दिया था या सजावटी जो भी चीज थी उस सबको हटा दिया था। और हटा देने के बाद में क्या नजर आया, वहां पे जो ईंट और प्लास्टर से बनी हुई दीवार थी वो नजर आने लगी। दी पेग इन दी वॉल हैड बीन ड्रेंच्ड, जो दीवार में खूटी थी उसको खींचकर निकाल दिया। फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके छिद्र से यानी उसके निर्धारित स्थान से उसको खींचकर निकाल दिया। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, वंडर्ड का मतलब ऐसे आश्चर्य करना होता है लेकिन सोचने के आशय में भी इसका उपयोग होता है। तो आई वंडर्ड, मैंने सोचा, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी जी क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, परंतु दादाजी परेशान नहीं हुए, दादाजी चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वो तो टोटो की कारगुजारी पर बहुत ही खुश प्रतीत हुए, बहुत खुश दिखाई दिए। हिज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा वो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। गिवन टाइम, यदि समय दिया जाता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू ए रोप, यदि उसे टाइम दिया जाता तो मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारे फटे हुए कोट के टुकड़ों से एक रस्सी बना देता। एंड मेड इज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बचकर निकल जाता, और खिड़की से बचकर निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी उपस्थिति अब भी घर में गुप्त थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर्स, टोटो को एक नौकरों के जो क्वार्टर्स थे, नौकरों के जो घर थे, वहां पर एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टूगेदर, जहां दादाजी के कई पालतू मिलजुल कर, सोशियबली मीन्स मिलजुल कर, एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ए टॉर्टोइस, अब मिलजुल कर कौन कौन रहते थे उनके प्राइवेट जू में, ए टॉर्टोइस कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स एक खरगोश का जोड़ा, एक टेम स्क्विरल एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल और कुछ समय के लिए मेरी पेट गॉट, मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, परंतु बंदर ने उन अपने साथियों में से किसी को भी नहीं सोने दिया। हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन, सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along। यानी उसने इतनी शैतानी की, उसने सजावटी कागज को फाड़ दिया और उसको जब किसी एक दूसरी बाड़े में रखा गया, दूसरी जगह रखा गया, तो वहां भी जो उनके पालतू पशु थे उनको भी रात भर परेशान किया, यानी सोने नहीं दिया। तो दादाजी के अब पक्ष की बात, अब दादाजी की तरफ से देखिए, तो सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी जिनको कि सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए अगले दिन जाना था, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं इस छोटी सी जो यात्रा थी इस पर दादाजी के साथ नहीं गया, मैं इस छोटी सी जो यात्रा थी इस पर दादाजी के साथ नहीं गया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, परंतु बाद में उन्होंने मुझे बताया, यानी उन्होंने पूरा का पूरा जो भी कुछ हुआ होगा उसके बारे में मुझे बताया। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा काला जूट का बोरा, जूट का थैला उसके टोटो के लिए उपलब्ध कराया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसके तले में कुछ घास फूस रखकर यह बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, ये उसका नया घर बन गया।
यानी बोरे के अंदर कुछ घास फूस रख दिया और ये उसका क्या बन गया, टोटो का घर बन गया। When the bag was closed, और जब उस बोरे को, उस थैले को बंद कर दिया, उस बोरे को बंद कर दिया, देयर वॉज नो एस्केप, तो उसमें बचने की कोई जगह ही नहीं थी, यानी कोई बचाव ही नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो खोलकर अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो जूट का बोरा था वो इतना मजबूत था कि उसको वो काट भी नहीं सकता था, यानी अपने दांतों से भी वो नहीं काट सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड टू इफेक्ट ऑफ द मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर। उसका बाहर निकालने का प्रयत्न में केवल जो प्रभाव होता था वो क्या होता था, या तो वो बैग जमीन पर यानी फर्श पर लुढ़कता और या फिर कभी कभी वो हवा में उछलता। एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स मीन्स दर्शक ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देहरादून प्लेटफॉर्म पर यानी इस प्रदर्शनी ने देहरादून प्लेटफॉर्म पर जो दर्शकों की उत्सुक भीड़ थी उसको आकर्षित कर दिया। टोटो रिमेम्बर्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट्स एट द रेलवे टर्न स्टाइल, टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, परंतु जब दादाजी घुमावदार दरवाजे पर अपना टिकट प्रस्तुत कर रहे थे, अपना टिकट दिखा रहे थे, यानी टर्न स्टाइल का मतलब घूमने वाला दरवाजा, घूमने वाले दरवाजे पर जब टिकट कलेक्टर को जब अपना टिकट दिखा रहे थे, तो टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर अचानक से बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर की तरफ अपने खुलकर दांत दिखा दिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसके साथ अब हम सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट, बाय।